जय श्री राम। आप सबकी बहन आरती घोसी आज फिर लेके आई है एक छोटा सा वीडियो, जो कि आपसे उम्मीद करा था कि आप और ये वीडियो के लाना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सभी जनों तक पहुंचाएं। कैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दिव्य दरबार की और उनकी हनुमान कथा की जानकारी लेके आए ये वीडियो में। तो वैसे तो आप और पता ही हुई है, जानकारी पता ही हुई है कि कहाँ दिव्य दरबार लगने हैं, कहाँ हनुमान कथा को आयोजन होने हैं। लेकिन अगर जो नहीं है पता तो हम थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए आप और को, भगवान भलो करे आप और अपनी बहन गरीब बहन के लाने सपोर्ट कर हो तो। और थोड़ी सी जानकारी लेके आए हैं जो कि आप और के लाने बहुत लाभदायक। ऐसे दिव्य दरबार है, दिव्य दरबार की चर्चा कितनी ज़्यादा होते, जो आप सभी इंतजार करते, हम भी इंतजार करते, लेकिन जा नहीं पा रहा है दिव्य दरबार में शामिल हो गए के लाने। पहले हमारी बेटियाँ छोटी हैं थी, अब प्रेगनेंसी है, सो कहूँ जा ही नहीं पा रहा है दिव्य दरबार में शामिल हुए के लाने। हमारी भी अर्जी लगी है बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों से जा ही नहीं पाया। तो आप और जा सका तो दिव्य दरबार में शामिल हुए, जो कि आप और की समस्याओं को समाधान हो गए, गुरुदेव के मुख से अनमोल वचन सुनो, उनके हनुमान जी महाराज की कथा सुनो, राम कथा सुनो, आप और कथा को आनंद ले, जो कि आप और के जीवन को उद्धारमय बनाए, आप और को जीवन अच्छे से सफल हो जाए, जो कि जिंदगी में का रखो और बताओ। भगवान को नाम है सबई कछु है, पैसा धेला संगे नहीं जत, पैसा धेला भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है। कैसे आज के जमाने में पैसा बिना कछु नहीं हो रहा, भक्ति भी बिना पैसों की नहीं हो रही। बुराई ना मानियो जो उनके ते हैं, और जो उनके पैसा रहते हैं भी ज्यादा घमंड आ जाते कछु लोगों के लाने में, लेकिन भैया भगवान की कृपा से हमें घमंड नहीं है। कैसे हमारा पैसा नहीं, और पैसा भी हो जाए तो घमंड नहीं रहे, काय को घमंड यार। भगवान को दई है, भगवान ने भगवान जी को दे थे तो उनके लाने दान पुण्य में भी लगाव चाहिए। अब हम जे नहीं बोल रहे कि आप और जाइयो तो कथा में दान पुण्य में लगाइयो, आप और की मर्जी जी, तो आपको श्रद्धा पूर्वक दान करने करो, नहीं करने नहीं करो। और कैसे कैसे जहाँ पे दिव्य दरबार लग रहा है उतने कितनी बड़ा पंडाल बनो है, वो भी सुन के हम हैरान हो रहे हो, कितनी कितने रुपया को लगो है वो आप और बताएं दे रहे हैं 125 करोड़ को सिर्फ पंडाल बनो है, टेंट बनो है। अब आप और सोच सकत हुई हो के कितना बड़ा भव्य टेंट हुई है और कितना बड़ा पंडाल हुई हो, कितनी भयंकर व्यवस्थाएं करी गई हुई हैं, कही जा रही है 500 से ज़्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं, टॉयलेट की व्यवस्था है, लेडीज मतलब महिलाओं के लाने अलग, पुरुषों के लाने अलग अलग टेंट की व्यवस्था मतलब टॉयलेट की व्यवस्था बनी है, और वाटर प्रूफ टेंट है जो 2-2.5 लाख जनता बैठ सकते हैं, 2-2.5 लाख जनता के लाने बैठवे के लाने व्यवस्था करी गई है, और बैसो टेंट बनो है कम से कम 5-6 लाख जनता जा सकते हैं। अब आप और सोच सका तो 1000 जनता जुड़ जाते तो कितनी ज़्यादा जनता हो जाती, कितनी भीड़ हो जाती है। कम से कम 5-6 लाख जनता के लाने बैठवे के लाने टेंट बनो है, तो आप और खुद उम्मीद लगा सकते हो, अंदाज लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ होवे बारी है, कितनी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँची बारी है। अलवर में हो रही है जो श्री हनुमत कथा को आयोजन, हमने आप और बताई नहीं थी, अलवर में हो रही है, आप और थंबनेल में देख लियो या आप और के लाने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें, डिस्क्रिप्शन आप और देख लियो। देखो हमारी बिटिया रानी कितनी अच्छी लग रही है, बीच बीच में वीडियो इतना वो हो जाते हैं, बिटिया रानी कमेंट करके बताइए हमारी बिटिया रानी कितनी अच्छी लग रही है। देखो हमारी मम्मा की बिटिया रानी, हमारी बिटिया रानी बहुत, हमसे कोई कछु नहीं कह पाता है, हमारी बिटिया रानी बहुत चाहते हैं मम्मा को, मुँह ही बंद कर रही तो चाहते ले ली। आप और पता है हमारी बिटिया रानी हमसे कोई कछु भी नहीं बोल पाता है, तेज आवाज में तो कोई हमसे बात ही नहीं कर पाता है बिटिया रानी की वजह से। बिटियाँ होते हैं लगाता है हराई हराई के बिटिया मोड़ी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मोड़ी सबसे बड़ी जायदाद होते हैं, समझे बारों की बात है कि जे समझे जो को मैं मारो मोड़ियों के लाने मोड़ियाँ जो उनके घर है हो जाते हैं, उतः कछु की कमी नहीं रहता है। मैंसी दीदी हमें पता नहीं है, जब चलेंगे मैंसी दीदी एक फोटो खींच लेंगे, चलिए ठीक है। तो अलवर में हो रही है दिव्य दरबार लगने हैं गुरुदेव को, जो कि 6 अक्टूबर को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अलवर पहुंचे हैं, उतर रोड शो भी हुई है, और कलश यात्रा में 15-20 हज़ार महिलाओं को बताई जा रही है, 15 से 20 हज़ार महिलाएं शामिल हुई हैं कलश यात्रा में, तो भव्य आयोजन होने हैं। तो आप और जाओ, आप और दिव्य दरबार में शामिल हो, आप और की समस्याओं को समाधान हो, और उम्मीद नहीं है कि हमें आप और हमारे वीडियो अभी तक देख रहे हुई, कोई बात नहीं देख रहे हुई ये तो कछु नहीं है,
ए बार सपोर्ट नहीं कर अगली बार वीडियो बने, मेहनत तो करें, मेहनत नहीं करें तो हमारे इतनी सब्सक्राइबर कैसे हो जाती, इतनी मेहनत करी है हमने। और आप औरों के लाने बहुत बहुत दिल से आभार है कि हमारे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट से ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, कंप्लीट 4000 हैं, 4000 से कछू ऊपर 100-150 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। बाकी आप औरों को बहुत इतना ही आभार है कि भैया हमारे इतने ही हो गए हैं, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतने हो जाए हैं। और धुआं हो रहा है बहुत ज़्यादा ही साइड, मच्छर हो रहा है, और आजकल हमारे लाइट चली गई। आप औरों बता दें हमारों को गाँव से निकास होने हैं, मतलब हमारों गाँव से भगाव जा रहा है, तो अब हमारे कहाँ जे हैं जो हमारों खुद नहीं है पता। सुन रहे हैं कि भैया नोटिस आ गए हैं कि ये गांव खाली होने हैं, पहाड़ में रह रहे तो पहाड़ में सुख से नहीं रह पा रहे, सरकार की मार है, बताओ। और यहाँ से कुछ जानकारी लेके आए हैं अगले वीडियो में, तो आप औरों को लाने वीडियो के लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो के लाना, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं करो। और हम ज़्यादा बैठ पा नहीं रहे हैं, कैसे प्रेगनेंसी में हमें बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो रही है, बैठने भी के लाने बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है की वजह से हमें बहुत तकलीफ हो रही है, तो ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहे हैं। कब उठेंगे, अब उठने पड़े कैसे, आज वगैरह भंडारा सो ही हो रहा है वो साइड, तो वीडियो बने हैं आप और देख लीजिए कैसे हम उतर पर गए नहीं हैं, हमारे बस की कर उधर वो है नहीं है, बनने हैं नहीं है कछू कर तो सुखा हो जाओ। चलो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जय श्री राम, ठीक है।